यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरगुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल विचार हुआ पंचदशी ग्रंथ में प्रथम श्लोक के ऊपर। प्रथम श्लोक में वेदांत ग्रंथ के विषय है जी ब्रह्म का एकत्व, और शास्त्र का परम प्रयोजन मोक्ष है। निरतिशय परमानंद की अनुभूति और निश्चय से अनर्थ निवृत्ति है मोक्ष, ये सूचित किए गए। यह ग्रंथ वेदांत शास्त्र की प्रक्रियाओं को दिखाता है। अतः वेदांत के जो अनुबंध चतुष्टय है वही इस ग्रंथ के भी अनुबंध है। इसीलिए इस ग्रंथ के मूलकार स्वामी विद्यारण्य मुनि ने इनका पृथक विवेचन यहाँ नहीं किया। अनुबंध कहते हैं ग्रंथाध्यन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व। ग्रंथाध्यने या प्रवृत्ति, तस्या प्रवृत्ति के प्रवृत्ति यत् प्रयोजनम कारणम। अध्ययन करने वाले साधक की प्रवृत्ति होती है ग्रंथ के अध्ययन में। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। तो ग्रंथ के अध्ययन में जो प्रवृत्ति होती है साधकों की, उस प्रवृत्ति का प्रयोजन जो कारण वो कौन है? ज्ञानम। कौन सा ज्ञान? चार का ज्ञान, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। इस ज्ञान का विषय स्वयं होगा, जैसे घट ज्ञान का विषय घट होता है, इसी प्रकार से अधिकारी आदि चतुष्टय ज्ञान का विषय अधिकारी चतुष्ट, अधिकारी आदि चतुष्ट होंगे। इसलिए चार को कहते हैं अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध। तो जिस ग्रंथ के आदि में अनुबंध चतुष्टय का निदर्शन किया गया हो उस ग्रंथ की प्रशस्ति नहीं होती है। अधिकारी विषयश्च संबंधश्च प्रयोजनम्, अनुबंधम विना ग्रंथादौ नैव स प्रशस्यते। ग्रंथ की प्रशस्ति मतलब ग्रंथ का विस्तार, ग्रंथ का विस्तार यही है। ग्रंथ का
अधिकारी के साथ संबंध होना, एक ग्रंथ का विस्तार। ऐसे नहीं कि छपा करके बांट दिया, कहीं विज्ञापन में छोड़ दिया, ये ग्रंथ का विस्तार प्रचार प्रसार नहीं। ग्रंथ का संबंध मोक्षों के साथ हो, मोक्ष लोग इसको पढ़े, यही ग्रंथ की प्रशस्ति है, विस्तार है। इसलिए स्वामी विद्यानंद मुनि महाराज भी इस ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय को कहते हैं। पूर्व प्रथम श्लोक में नमस्कारात्मक मंगल भी हुआ, इसके साथ साथ ग्रंथ के विषय और ग्रंथ के परम प्रयोजन को बताए। फिर भी अवांतर प्रयोजन को दिखाना चाहिए। यहाँ पर द्वितीय श्लोक में अवांतर प्रयोजन और अधिकारी को भी दिखाते हैं, यदि ना दिखा जाए अन्यथा। सूत्र और भाष्य ब्रह्मसूत्र है, भगवान व्यास के द्वारा प्रणीत है, और उसके अनुसार भाष्य भी है, उपनिषद मूल भी है, उपनिषद के भाष्य भी, शंकर भाष्य इत्यादि ग्रंथों के रहते हुए इस ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी आशंका हो सकती है। इसलिए यहाँ पर अवांतर प्रयोजन को बता रहे हैं। और साथ साथ ये चिकित्सित जो ग्रंथ, जिस ग्रंथ को बनाने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, इस ग्रंथ की प्रतिज्ञा भी करते हैं। इसलिए रामकृष्ण टीकाकार इस श्लोक के ऊपर अवतरण लिखते हैं। इदानीं अवांतर प्रयोजन कथना पुरस्सरम ग्रंथारंभम प्रतिजानीते। अवांतर प्रयोजन का कथन, अवांतर प्रयोजन ग्रंथ के, इस ग्रंथ का चिंतन मनन करने से मूल वेदांत के तात्पर्य का ज्ञान हो जाए, भाष्य के तात्पर्य का ज्ञान हो जाए, मूल ग्रंथ में प्रवेश हो जाए, भाष्य ग्रंथ में प्रवेश हो जाए, इसलिए इस ग्रंथ की, ग्रीष्म ग्रंथ का अवांतर प्रयोजन हुआ कहते हैं। ग्रंथारंभम प्रतिजानीते, ग्रंथ के आरंभ की प्रतिज्ञा करते हैं कि इसलिए हम ग्रंथ आरंभ करने जा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अधिकारी का निरूपण भी करते हैं। श्लोक का उच्चारण किया जाए। तत्पादाम्बुरुहदन्द सेवा निर्मल चेतसा सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। तत्शब्द आया यहाँ पर, तत्पादाम्बुरुह दंद, अम्बुरुह, अम्बुरुह, अम्बु है जल, अम्बु से जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अम्बुरुह, वो कमल। वो कमल कौन है? चरण कमल, पादा। किस गुरु के चरण कमल रूपी पाद है, किसके? तो वहां पर कहा तस् लेना है गुरु। लेकिन यहाँ पर तत्पद का अर्थ श्री विद्यारण्य मुनि के गुरु श्री शंकरानंद जी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे लिए उनके चरण कमलों की सेवा दुर्लभ है। ना हमने श्री विद्यारण्य मुनि को देखा है, ना उनके गुरु जी को देखा है।
इसलिए पूर्व श्लोक में जो श्री शंकरानंद पद था उस पद को यौगिक मान करके व्याख्या करनी चाहिए। स्वामी विदर्ण मुनि एक विवरण प्रमेय संग्रह नामक ग्रंथ लिखे हैं, वहाँ पर उसने कहा है कि इस लोक में अथवा परलोक में समस्त प्राणियों को आनंद देते हुए जो शंकरानंद है वो परमात्मा है, उसके चरण कमलों को नमस्कार है। इसलिए परमात्मा स्वरूप जो गुरु है, परमात्मा स्वरूप जो गुरु है, पूर्व श्लोक के टीका में ग्रंथकार ने टीकाकार ने कहा था परमात्मा सदैव गुरु हो। जो ही परमात्मा स्वरूप गुरु जो जयते परे तत्वे स दीक्षयाचर्य मूर्तिस्थः, जो परम तत्व में लगा दे परमात्मा स्वरूप गुरु, ये परमात्मा स्वरूप गुरु ही तत्पद से विवक्षित है। ऐसे परमात्मा स्वरूप गुरु के पाद रूपी चरण कमलों को चरण कमलों की सेवा सेवा करने पर, चरण कमलों की सेवा ये बहुत बड़ा साधन है। सेवा के बिना मेवा नहीं मिलता है। इसलिए वो पाद रूपी जो चरण कमल है उस चरण कमल द्वंद्व जोड़े उसकी सेवा करे, उस चरण कमलों में समर्पित हो जाए। उस सेवा करने से क्या होगा तो निर्मला चेतसाम, जिसका चित्त निर्मल हो गया हो, ऐसे निर्मल चित्त वाले को ही ज्ञान होता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं इस ग्रंथ का अधिकारी, जिसका चित्त शुद्ध हुआ है वही अधिकारी है। अन्यत्र भी कहा जाता है तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्रवाच, विद्वान ज्ञानी उसी को ही उपदेश करे जिसका चित्त शुद्ध हो गया हो। ऐसे साधकों को सुख बोधाय अनायास से ज्ञान हो जाए, इसलिए तत्त्वस्य विवेकः अयम विधीयते। ये तत्व का विवेक करना है, एक होता है तत्व, बाकी सब होते हैं अतत्व। जैसे चलचित्र के पर्दे में अनेक चित्र दिखते हैं, चित्र होते हैं मिथ्या, जड़ चेतन जो भी पर्दे में दिखता है, आदमी दौड़ रहा है, घोड़े से जा रहा है, बैठ करके किसी गांव में जा रहा है, मार्ग से जा रहा है, चाहे गांव हो मार्ग हो जड़, चाहे जाने वाला हो जाने का साधन घोड़ा चेतन हो, ये सब के सब होता है अतत्व, मिथ्या है, उसमें तत्व पर्दा है, एक पर्दा ही वहाँ पर तत्व है वास्तविक। तो अतत्व से तत्व का विवेक करना है। इसलिए इस प्रथम प्रकरण का नाम है तत्व विवेक प्रकरण। इसलिए तत्वस्य विवेको अयम विधीयते, अयम ये जो है पहला प्रकरण, विधीयते का अर्थ क्रियते, किया जाता है। थोड़ी सी टीका देख लें, तत्व से लिया गया गुरु, कैसे गुरु, परमात्मा स्वरूप गुरु, तस्य गुरु हो पादौ एव अम्बुरुहे कमले, गुरु के पाद ही अम्बुरुह है, मतलब कमल है,
दंदम, ये जो चरण कमल के जोड़े, इसलिए गुरु के चरण की ही सेवा की जाती है। पूजा भी गुरु के चरण की पूजा की जाती है, इसलिए अन्य किसी की पूजा नहीं। गुरु के हाथ पैर माथा उसकी पूजा नहीं। परंपरा है, क्योंकि वही हमारा आश्रय है, उसी चरणों में ही हमको झुकना है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन भी गुरु के चरणों की पूजा होती है। गुरु का शरीर ना होने पर भी उसका जो पादुका है, उस पादुका की पूजा की जाती है, क्योंकि वही हमारा परम आश्रय है ना। साधक का परम आश्रय है गुरु का चरण है, इसलिए तयोर दंदम, वो चरण कमल के जोड़े, तस्य सेवया, उसके सेवा करके। भाई सेवा कैसे करेंगे? परिचर्या, परिचर्या करो शरीर से, मन से, वाणी से। ये यहाँ पर कह रहे हैं स्तुति नमस्कार आदि लक्षणाया, उसकी स्तुति करो, उसका नमस्कार करो, गाय सब कुछ उसकी पूजा करो। इसलिए अन्यत्र कहा जाता है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। केवल कहने के लिए नहीं है, उसका पालन भी करना चाहिए। नहीं तो आरती तो भगवान के रोज करते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, बोलता तो है आपकी सब कुछ है, और मन में सोचता है कि आप सब कुछ नहीं है, मेरे लिए तो धन ही सब कुछ है। ऐसा नहीं, गुरु को बोलता है कि आके आप ही हमारे सब कुछ है। तो कहीं भोजन भिक्षा में गए थे किसी के घर में, तो भक्तों ने कहा कि स्वामी जी ये आपका ही सब कुछ है, आपका ही दिया हुआ है, आपका ही सब कुछ है। उस स्वामी जी ने, वो महात्मा ने कहा ठीक है मेरा ही सब कुछ है, तो जाओ फिर यहाँ से, घर से निकलो, सब छोड़ कर जाओ। तो कहना तो कठिन है, उसका पालन करना आवश्यक है। तो कहते हैं सब कुछ समर्पण कर दो गुरु के चरणों में, उसकी सेवा करके। सेवा का फल क्या है? मेवा है। मेवा क्या है साधक के लिए? निर्मलम, चित्त का निर्मल्य, चित्त का निर्मल्य, यही है यहाँ पर सेवा का फल। चित्त निर्मल हुआ तो कैसे पता लगेगा? ठीक है, अगर कहता है राग आदि रहितम, संसार से हमारा राग द्वेष हट गया, कहीं भी हमारी आसक्ति रही नहीं, संसार से संसार हमारे लिए निरस हो गया, निरस निरस संसार कैसा हो गया? निरस हो गया। इसलिए पहले प्राचीन काल में गुरु के पास सूखी लकड़ी लेकर जाते थे, समित पाणी सोत्यम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेव अवगच्छे, समित पाणी, समिधा पाणो यस्य, जिसके हाथ में समिधा हो, समिधा का तो सूखी लकड़ी। यहाँ पर महापुरुष लोग कहते हैं भाई सूखी लकड़ी क्या करेंगे महापुरुष, सूखी लकड़ी क्या करेंगे? सन्यासी और सूखी लकड़ी से क्या मतलब? वो तो भिक्षाटन करके चल रहा है, अन्न छत्र से रोटी मांग कर खा रहे हैं महापुरुष गुरु, तो लकड़ी का क्या प्रयोजन है? तो महापुरुष लोग कहते हैं समिधा है उपलक्षण, समिधा है उपलक्षण। किसका उपलक्षण? विनम्रता का, वैराग्य का, राग द्वेष के अभाव का,
इसलिए साधक कहना चाहता है, हे गुरुदेव ये संसार मेरे लिए सुखी लकड़ी की तरह है, क्योंकि संसार जो है ना, ये संसार पे लकड़ी जो है ना गीली गीली लकड़ी की तरह है। हाँ, जैसे गीली लकड़ी हो तो उससे धुआं होता है, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। इसी वजह संसार से जल्दी वैराग्य कहाँ होता है, वैराग्य जल्दी होता नहीं। इसलिए जिस साधक के लिए ये संसार क्या हो गया, सूखी लकड़ी की तरह, वो कहना चाहता है साधक गुरु से, हे गुरुदेव ये संसार मेरे लिए निरस सूखी लकड़ी की तरह हो गया, आप इसको क्या करें, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से इसको भस्म कर दो। तो ये रागादि का अभाव हो जाए तो समझना चाहिए कि चित्त निर्मल हो गया। चित्त की निर्मलता का हेतु, ज्ञापक हेतु रागादि राहित्य, रागादि का अभाव, रागादि का अभाव चेतो अंतकरणम, चेत का अर्थ अंतकरण, रागादि का अभाव हो गया है जिस अंतकरण में, ऐसा अंतकरण जिसके हो ये शाम ते तथोक्ताहा वही हो गए अधिकारी, तेषां ऐसे अधिकारकों को सुख बुधाय सुखे न बोध सुख बोध, मतलब अनायासेना तत्व ज्ञान उत्पादनाय, उनको अनायास से तत्व ज्ञान हो जाएगा। प्रयास तो करना पड़ेगा लेकिन अधिक प्रयास नहीं करना होगा, अधिक प्रयास नहीं करना। जैसे लकड़ी सूखी हो गई हो उसमें अग्नि का प्राज्वल्य, अग्नि का प्राकट्य के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रयत्न तो करना पड़ता है लेकिन अधिक नहीं। इसी प्रकार तत्व ज्ञान हो जाए, ये चित्त यदि निर्मल हो जाए तो तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए, तत्व ज्ञान का उत्पादन के लिए अधिक प्रयास करना नहीं पड़ता, गुरु को भी अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। ये अयम वक्षमाण प्रकार, आगे जो कहा जाएगा किस प्रकार से तत्व ज्ञान होता है। तत्व क्या है भाई, तत्व क्या चीज़ है, यहाँ पर तत्व है अनारोपित स्वरूपस्य, जिसका स्वरूप अनारोपित आरोपित ना हो। जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, सर्प आरोपित है, वास्तविक नहीं है सर्प, लेकिन रज्जु आरोपित नहीं है, रज्जु है तत्व, सर्प है मिथ्या अतत्व। जो अनारोपित स्वरूप होता है उसको कहा गया यहाँ पर तत्व। इसको आगे कहा जाएगा अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्यना लक्ष्यते, वो तत्व अखंड है जिसमें किसी प्रकार का खंड ना हो, किसी प्रकार का उपाधि ना हो, किसी प्रकार का विशेषण विशेष ना हो, ये होता है अखंडम। ऐसा अखंड कौन है, सच्चिदानंदम, जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको यहाँ पर तत्व शब्द से कहा गया। उस तत्व का ज्ञान कैसे करा जाएगा, महावाक्यना लक्ष्यते, महावाक्य के द्वारा लक्षित किया जाता है, बोध करा जाता है। इति वक्षमाणस्य यागे कहा जाएगा, उसका विवेक हो जाए, तत्व का विवेक करना है अतत्व से। जैसे चावल कंकण, कंकण को निकालना है, कंकण को निकाल दो चावल चावल रहेगा, कंकण को निकाल दो तो वैसे दाल दाल रहेगी, लेकिन ज्ञान तो पहले होना चाहिए ना कि चावल कौन है और कंकण कौन है। जिस प्रकार जैसे धान की खेती लगी हो उसमें घास दिखते हैं, लेकिन ऐसे घास होते हैं वो घास भी धान की तरह दिखता है, तो दोनों के स्वरूप का ज्ञान पहले होना चाहिए।
ये धान है और ये घास है, तो जब मालूम पड़ जाए तो घास घास को निकाल दो, यदि मालूम ना पड़े तो फिर जो है वो धान धान को निकाल देगा और घास को छोड़ देगा, ऐसा नहीं। आरोपिता इसलिए लिखते हैं। अच्छा, विवेक किसका करना है? अतत्व से तत्व का विवेक करना है कि तत्व से अतत्व का विवेक करना है? तो वहाँ पर तो धान से जो अतत्व है घास, उसको अलग किया जाता है। चावल तत्व से अतत्व कंकण को अलग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहते हैं जिसका ज्ञान से हमारा कल्याण होगा उसका विवेक करना है। इसलिए कहते हैं आरोपितात् पंचकोश लक्षणात्। ये पंचकोश है आरोपित अपने स्वरूप में, अपने में पंचकोश नहीं है, अपने में पंचकोश नहीं, आरोप है। जैसे रज्जु में सर्प आरोपित है, इसी प्रकार तत्व आत्मा में पंचकोश आरोपित है। उस पंचकोशों से आरोपित वस्तु से, मिथ्या वस्तु से अनारोपित जो तत्व है आत्मस्वरूप, उसका विवेक करना है, ये कह रहे हैं। पंचकोश लक्षणा जगता, पंचकोश रूपी जो जगत है, संसार है, मिथ्या है, उससे तत्व का विवेक, विवेचनम, विवेचन का अर्थ विवेक, विधीयते का अर्थ क्रियते, किया जाता है विवेक। तो इस ग्रंथ में एक तो बता दिया अधिकारी, जिसका चित्त शुद्ध हुआ हो अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न हुआ हो, विवेक, वैराग्य, समाधि, सड़ संपत्ति और मुमुक्षा, इसको कहते हैं साधन चतुष्टय। ऐसे साधन चतुष्टय संपन्ना वो विवेक के तत्व ज्ञान के अधिकारी है। तो अधिकारी का निरूपण हुआ, और अवांतर प्रयोजन यही है। अवांतर प्रयोजन है तत्व का विवेक। इस ग्रंथ का विचार करेगा तो मूल ग्रंथ में प्रवेश हो जाएगा, ये भी अवांतर प्रयोजन है। और अवांतर प्रयोजन ये भी है कि सेवा किए बिना चित्त निर्मल नहीं होता है, ये भी अवांतर प्रयोजन। आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।